गर्मियों के स्वागत की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्दी जाने से पहले नींबू उठा लीजिए मार्केट से। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि नींबू के जूस को स्टोर कैसे करें, आज मैं बताने वाली हूँ आपको नींबू के शरबत को कैसे बनाकर उसको स्टोर करके रखें। सर्दियों में जो नींबू की क्वालिटी आती है ना जूसी एकदम, वैसे नींबू जो है गर्मियों में हमें नहीं मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, मैंने यहाँ पे आधा किलो नींबू का जो है जूस निकाल लिया। आप चाहे नींबू स्क्वीजर से निकाल लें, चाहे हाथ से जो है नींबू का जूस निकाल के उसे इस तरह से छान लें। इससे पहले मैंने आपको एक कांच की बोतल दिखाई जो कि मेरी शहद की बोतल है, वो खाली हुई है। आपके पास भी कोई बड़ी बोतल हो कांच की तो वो भी आप ले सकते हैं। और अब करना क्या है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमने नींबू के जूस को इस तरह से छान लिया है। आप चाहें जितना जूस ले सकते हैं और बोतल में कितनी शक्कर डालनी है वो मैं आपको बताऊँगी। तो जितना भी जूस लेना उस हिसाब से आप बोतल के हिसाब से शरबत आपका रेडी आपको करना है। तो जैसा कि मैंने ये कांच की बोतल अपनी शहद की खाली हुई बोतल को लिया है और अब मैं इसे शुगर से भर दूंगी। आधे से ज़्यादा दानेदार शुगर है, बहुत ही मोटी बढ़िया वाली शुगर है। और अब छाने हुए नींबू के जूस को हम डाल देंगे इसके अंदर कुछ इस तरह से। तो आपको भी आराम से इसको डालना है, वेस्ट नहीं करना है यार, किचन के स्लैब पर गिराकर इसे गंदा मत कर दीजिएगा। तो नींबू जो है ना बजट में मिलते हैं सर्दियों में, तो फटाफट से ले आइए और जल्दी से इस तरह से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरह से हमने नींबू के जूस को बॉटल के अंदर ऊपर की तरफ थोड़ी सी जगह रखकर हमने इसे फिल कर लिया है। वो इस तरह इसलिए रखा है जगह हमने ताकि जो है हम इसे मिक्स करें तो जो ये बाहर की तरफ इसका जूस जो है ना निकले। तो बस शुगर हमने डाल दी है पहले से ही और अब नींबू के छाने हुए जूस को हमने इसको इस तरह से डाल के आपको ढक्कन को बंद कर देना है। और गैस पे मैंने गर्म पानी रख दिया था पहले से ही, तो ये बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं किया है लेकिन काफ़ी गर्म कर लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उबला हुआ पानी में हो सकता है कि कांच की बोतल जो है क्रैक हो जाए। तो बस इतना गर्म कर लीजिए कि धुएं निकल रहे हो। और इसके अंदर हमें इसको इस तरह से डालना है, थोड़ा सा शुगर को जो है ना हमें इस तरह से मेल्ट करनी है और हल्का हल्का डाल के बाहर निकाल दीजिए। एकदम से कांच की बोतल कभी भी क्रैक हो सकती है, बहुत देर तक बहुत ज़्यादा गर्म पानी में हमें इसे नहीं रखना है। तो इस तरह से इसको इसमें से डालना है, फिर इसमें से इसको निकालना है और अच्छे से बोतल को आप चलाते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से शुगर को ऊपर नीचे हमें इसको करना है। तो पहले मैंने यहाँ पर दो चार बार इसको गर्म पानी में इस तरह से रखा है, उसके बाद में जब मुझे लगा कि काफ़ी बॉटल नीचे से गर्म हो गई है तो हमें इसकी शुगर को इस तरह से हिलाते रहना है। इसको करने में आपको कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे ही। अगर आपके हाथ थक जाते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद में फिर से कर लीजिएगा। तो जब तक शुगर जो है आपको पूरा ऊपर नीचे करके बॉटल को मेल्ट ना हो जाए तब तक आपको ये प्रोसीजर करना है। तो मैंने यहाँ पर इस प्रोसीजर को लगभग 15 मिनट तक हाथों हाथ कर दिया और फिर इस तरह से बाहर निकाला है और बॉटल को इस तरह से करते हुए हमें शुगर को जो है अच्छे से मेल्ट कर दिया है। तो देखा आपने नींबू का शरबत बनाना कितना आसान है। जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाएगी आप इसे फ्रिज में बनाकर रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एक साल तक आपका ये शरबत ख़राब नहीं होने वाला है। अगर आपके बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं और उनके पास में फ्रिज की सुविधा नहीं है तो भी ये 4 से लेकर 6 महीने तक ये शरबत बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसे इस तरह से कवर करके भी फ्रिज में रख सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा बॉटल बना रहे तो आप बाकी बॉटल्स को इस तरह कवर करके एकदम बिल्कुल जो है ना ढक्कन लगा के फॉइल पेपर लगा के इसको इस तरह से रख सकते हैं। और अगर बच्चों को हॉस्टल में देना है तो आप इस तरह की बॉटल कांच की ले आइए मार्केट से कि उन्हें निकालने में और नींबू की शिकंजी बनाने में आसानी हो। तो बहुत अच्छी अच्छी बॉटल्स मिल जाती हैं लेकिन नींबू के जूस को हमेशा जब भी आप बनाएं कांच के बॉटल में ही रखें और उसे स्टोर करें ताकि वो कड़वा ना हो। और जब नींबू का जूस निकालें तब भी आपने देखा कि मैंने कांच के बाउल का ही इस्तेमाल किया है और उसके बाद जब मैंने छाना है तब मैंने प्लास्टिक का बॉयल लिया, क्योंकि उसके बाद तो हमें डायरेक्ट बॉटल में ही डालना था, बहुत देर तक उसमें नहीं रखना था। तो जब आप जूस निकालें तब भी कांच या चीनी के बर्तन का ही इस्तेमाल करें वरना नींबू का जूस बहुत जल्दी कड़वा हो जाता है। शुगर को ऊपर नीचे करते हुए बॉटल को तब तक मेल्ट करना है और इस प्रक्रिया को करने में आपको 2 से 3 दिन भी आप इसको लगातार इस तरह से कर लीजिए। जब तक शुगर मेल्ट नहीं होता है या मिक्स नहीं होता है आपको ये प्रक्रिया इसी तरह से करते रहनी है, इसमें 2-3 दिन भी लग सकते हैं। आपको एक और बॉटल खाली दिखाई दी थी तो अब बाकी का जूस भी मैं उसे इसी तरह से स्टोर करूँगी। और जो चीनी का मेजरमेंट है वो मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी बॉटल लेंगे ना उसको आप आधे से ज़्यादा भर दीजिए और बस उस बॉटल के अंदर उसके ऊपर आप नींबू का जूस
छाना हुआ डाल दीजिए और बाकी की प्रक्रिया मैंने आपको बताई दी। तो है ना बहुत आसान नींबू का शरबत बनाना। और जब भी आपको पीना हो एक ग्लास लीजिए 1/4 नींबू की शिकंजी ये बना हुआ शरबत डाल दीजिए, उसके बाद में बर्फ का टुकड़ा और पानी भर दीजिए और ये हो गया तैयार नींबू की शिकंजी। आप चाहें तो शिकंजी मसाला भी डाल सकते हैं। तो मैं जल्दी मिलती हूँ नई रेसिपी लेकर, हॉट टेस्टी स्पाइसी या कुछ नया लेकर। आप जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तब तक के लिए गुड बाय।